बिहार में रामविलास पासवान की विरासत को लेकर शुरू हुआ विवाद लगातार नया मोड़ लेता जा रहा है। चिराग और पशुपति गुट एक दूसरे के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। पशुपति पारस ने चिराग को संसदीय दल के नेता पद से हटाकर खुद उस पर कब्जा कर लिया है और चिराग से पार्टी अध्यक्ष की कुर्सी छीनने का भी ऐलान किया है। लेकिन चिराग का दावा है कि वो ही एलजेपी के अध्यक्ष हैं और चिराग ने पांचों बागी सांसदों को एलजेपी से निलंबित भी कर दिया है। इस बीच चिराग के भाई प्रिंस राज नई मुसीबत में फंस गए हैं, तो पासवान परिवार पर कहां से आई नई मुसीबत, देखिए ये रिपोर्ट। बिहार में एलजेपी पर कब्जे को लेकर शुरू हुई सियासी लड़ाई में रामविलास पासवान का परिवार दो हिस्सों में बंट चुका है। चिराग और उनके चाचा पशुपति पारस आमने सामने हैं। दोनों ही गुट एलजेपी पर अपना अपना दावा कर रही हैं। पटना से लेकर दिल्ली तक बैठकों का दौर चल रहा है। दोनों ही गुट एक दूसरे पर कार्रवाई कर रहे हैं। कोशिश यही हो रही है कि पार्टी पर अधिकार जमाया जा सके। एलजेपी नेता सूरजभान सिंह का दावा है कि 20 जून तक पशुपति पारस एलजेपी के अध्यक्ष बना दिए जाएंगे, लेकिन चिराग पासवान का दावा है कि अध्यक्ष तो वो ही हैं और आगे भी वही रहेंगे। पटना में चिराग पासवान समर्थकों का गुस्सा सड़क पर देखा जा रहा है। चिराग समर्थक पशुपति पारस के साथ ही जेडीयू को लेकर भी गुस्से में दिखाई दे रही है। इसी बीच कल चिराग पासवान ने ट्वीट करते हुए अपने चाचा पशुपति पारस को लिखा गया एक पुराना पत्र सार्वजनिक किया। 6 पेज की इस चिट्ठी में चिराग अपने चाचा को मनाते और उनसे शिकायत करते हुए देखे जा रही हैं। पत्र में उन्होंने रामविलास पासवान के भतीजे प्रिंस पर लगे महिला उत्पीड़न के आरोप पर कहा कि पशुपति को उस समय प्रिंस के समर्थन में आगे आना चाहिए था, जो उन्होंने नहीं किया। जब मुझे और प्रिंस को आपकी जरूरत थी, तब भी आप हमारे साथ नहीं आए। चिराग ने प्रिंस राज वाली घटना सार्वजनिक करते हुए ये दावा किया था कि उनके कारण ही प्रिंस राज पर कानूनी कार्रवाई नहीं हुई, नहीं तो प्रिंस के खिलाफ मामला दर्ज हो सकता था। लेकिन चिराग को शायद इस बात का एहसास नहीं था कि उनका ये बयान ही प्रिंस की मुसीबतें बढ़ा सकता है। चिराग पासवान के ट्वीट के कुछ देर बाद ही एक महिला ने प्रिंस राज के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कर दी। तो क्या वाकई प्रिंस राज पर लगे ये आरोप सही है या फिर ये राजनीतिक मामला है जिसमें प्रिंस के सहारे एलजेपी में बड़ी दरार डालने की कोशिश है? डीबी लाइव की रिपोर्ट।